राजनामा दुनिया के साथ मैं प्रिया। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने सेना के जवानों पर मुस्लिमों से जय श्री राम के नारे लगवाने का आरोप लगाया है। महबूबा ने शनिवार को एक ट्वीट करके कहा, 50 आरआर बटालियन के जवान पुलवामा की एक मस्जिद में घुसे और मुस्लिम लोगों से जबरदस्ती नारे लगवाए। उन्होंने लिखा, 50 राष्ट्रीय राइफल्स के जवानों के पुलवामा की मस्जिद में घुसने और वहां मौजूद मुस्लिमों को जय श्री राम कहने के लिए मजबूर करने की खबर सुनकर स्तब्ध हूं। जब अमित शाह यहाँ है तब ऐसी हरकत करना और वो भी यात्रा के कुछ समय पहले, ये सिर्फ उकसाने के लिए किया गया है। महबूबा ने चिनार कॉर्प्स के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई से इस मामले की जांच करने की अपील भी की है। राजीव घई ने 14 जून को श्रीनगर में चिनार कॉर्प्स का कमांड लिया था। पाकिस्तान से लगी सीमा से घुसपैठ रोकना और कश्मीर में आतंकी विरोधी ऑपरेशन की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई थी। अप्रैल में भी मुफ्ती ने दावा किया था कि जम्मू कश्मीर में G20 इवेंट की तैयारियां शुरू होते ही सैकड़ों स्थानीय आदमियों को गिरफ्तार कर लिया गया था, जहां उन्हें टॉर्चर किया गया। मुफ्ती ने कहा कि जम्मू कश्मीर में हालत अमेरिकी जेल ग्वांतानामो से भी बदतर है। जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती ने शनिवार को केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर हमला किया। उन्होंने कहा कि मोदी जी जब देश से बाहर जाते हैं तो गांधी जी की बात करते हैं, उनकी पूजा करने लगते हैं, वहीं जब ये लोग देश वापस आते हैं तो गांधी के हत्यारे गोडसे की पूजा करते हैं।